Bismillahirrahmanirrahim. I hope you are fine and healthy. Dear students, Assalamu alaikum. Grade 5 subject English B, past perfect tense. The definition is, past perfect tense is used to show an action that was complete before an other action took place. जी एक कोई भी ऐसा काम जिससे पहले पास्ट में काम हो चुका हो, ठीक है जी, एक टास्क से पहले पहला टास्क पूरा हो गया और साथ ही दूसरा हो गया, लाइक बारिश आने से पहले मैं घर जा चुका था. अंडरस्टैंड? नाउ पहचान इसके जुमले के आखिर में चुकी थी, चुका था, चुके थे वगैरह आता है. इन दिस सेंटेंस वी यूज थर्ड फॉर्म of verb and the helping verb of this tense is had. Simple sentences formalize subject plus had plus third form of verb plus object. जी मैं अपना वादा पूरा कर चुका था means past perfect tense. ठीक है, इससे आपको idea हो जाएगा. मैं I had third form fulfilled. ठीक है जी, अपना वादा ऑब्जेक्ट द लास्ट इज प्रॉमिस. क्लियर? द नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंसेस मनफी फिक्रात को कहा जाता है इंग्लिश में नॉट, उर्दू में नहीं. मैं अपना वादा पूरा नहीं कर चुका था. आपको आइडिया हो गया इससे, नहीं से और चुका था से, ये नेगेटिव है. किसका? पास्ट परफेक्ट टेंस का. नाउ ट्रांसलेट इज आई had not third form fulfilled and the last object my promise. Clear friends? And the last one is interrogative sentence. इंट्रोगेटिव सेंटेंस सवालिया जुमलों को कहा जाता है. क्या और क्वेश्चन मार्क्स से आपको आइडिया आ जाएगा ये इंट्रोगेटिव में. इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट में हम करते हैं क्या करते हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब ले आते हैं. इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है दैट्स व्हाई वी पुट इट फर्स्टली एंड देन ट्रांसलेट इट इज हैड had subject I third form fulfilled and the last is my promise object. Thank you friends, I hope you will understand this video. Allah Hafiz to practice.